मैं तुमसे सॉरी करना चाहता हूँ। आप क्यों सॉरी कर रहे हैं? शायद मामा का मूड ऑफ था, वरना वो ऐसी नहीं है कि रोक टोक करें। कोई बात नहीं, मुझे बुरा नहीं लगा। तुम्हारी एक यही आदत तो मुझे अच्छी लगती है कि तुम छोटी छोटी बातों का बुरा नहीं मनाती। ऐसे जुनेद, वो मुझे कुछ बताना था। एक सच्चाई है जो आपके लिए जानना जरूरी है। कैसी सच्चाई? शायद वो सच्चाई सुनकर आपको अच्छा ना लगे, शायद आपको मेरी बात पर यकीन भी ना आए। नहीं उम्मीद, तुम जो कहोगी मैं उस पर यकीन करूंगा। कहो क्या बात है? ये देखिए, और हाँ एक बात याद रखना, ये घर मेरा है। नाम वही होता है जो मैं चाहती हूँ। इस घर में सिर्फ मेरी चलती है हमेशा से। अगर मेरे मुताबिक चलोगे तुम्हारे लिए अच्छा है, वरना कोमल का हशर पूछ लेना अपनी माँ से। ओ हाँ, तो पता ही होगा उसका आशा, मुर्दा मां से जो जन्म लिया था। मुझे तो यकीन ही नहीं आ रहा, मामा और ये सब। वो तो तुम्हें बहुत प्यार से इस घर में बहू बना के लाई है मेरी ख्वाहिश पर। मुझे तो यकीन नहीं आ रहा कि मामा ने ऐसा कहा। जुनेद, मैं नहीं चाहती थी कि आपकी अम्मी का ये रूप मैं आपको दिखाऊं, लेकिन मुझे महसूस हो रहा था कि ये बात आपको बता देनी चाहिए, कहीं ऐसा ना हो कि वो आपको मुझसे अलग कर दे। आप जानते हैं मैंने कभी आपकी कोई बात अम्मी से नहीं की। आपने भी हमेशा यही कहा कि माजी की किसी भी बात से आपका कोई लेना देना नहीं। उम्मीद, तुम कहना क्या चाहती हो, मुझे खुल के बताओ। आप जानते हैं मेरी कोमल अम्मी के साथ क्या हुआ था? हाँ, थोड़ा बहुत बताया था मामा ने कि वो। मैं आपको पूरी बात बताती हूँ।